नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका TV20 न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आजमगढ़ शहर की इमाम जामा मस्जिद आजमगढ़ मौलाना इंतकाब आलम कासमी द्वारा रमजान माह में पढ़ी जाने वाली नमाज तरावीह के संबंध में एक बयान जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपने घरों में ही रहकर रमजान माह में इबादत करने को कहा तथा शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को मानने की अपील भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शाबान की 29 तारीख है। चांद देखने का एहतमाम करें और कल इंशाअल्लाह चांद हो गया तो कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ान का मुबारक महीना गोया कि शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करना है। वो ये कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक बीमारी कोरोना वायरस जो फैली हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा इंसानियत मुतासिर हो रही है। इसका वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस है। हम भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, अपने आप को घर में क़ैद कर लें। महकमा सेहत के मुताबिक महकमा सेहत ने और इंतज़ामिया ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उस पर हम सख्ती से अमल करें, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात, इस रमज़ान के मुबारक महीने में इंतज़ामिया ने हमारे सहूलत के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं खाने पीने की, उसके अवकात मुतय्यन कर दिए हैं। हम उन्हीं अवकात में अपनी ज़रूरत के लिए बाहर निकलें और अपनी ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरी करके फिर अपने घर में आ जाएं। इन अवकात की खिलाफ वर्जी हम बिल्कुल न करें। घर के बाहर बग़ैर शदीद ज़रूरत के बिल्कुल न निकलें। इसी के साथ साथ इस मुबारक महीने में नमाज तरावी का अहतमाम करें, मगर वो भी अपने अपने घरों में। किसी दूसरे को अपने घर पर तरावी पढ़ने के लिए भी बिल्कुल न बुलाएं। दूसरी चीज़, मस्जिद में इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ 4 लोगों की इजाज़त है नमाज पढ़ने की और तरावी पढ़ने की, तो इसके भी खिलाफ वर्जी न करें। हम इसमें इंतज़ामिया का तआवुन करें, इसमें हमारे लिए भलाई है, खैर है। इसके साथ साथ इस मुबारक महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे पास पड़ोस में कोई भी शख्स, कोई भी ज़रूरतमंद भूखा न रहे, क्योंकि ख़ुद ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी करने का महीना है। ये महीना ज़िक्र और तिलावत कुरान पाक करने का और दुआओं का एक एहतमाम करने का है। हम इन तमाम चीज़ों पर की पाबंदी करें। इस मुबारक महीने में नमाज़ों का अहतमाम अपने घरों पर, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम अपने घरों पर और इसी तरीके से दुआओं का अहतमाम भी करें कि अल्लाह पाक इस वबाई मर्ज से, इस मोहलिक मर्ज से जहाँ पे जिसकी वजह से सारी इंसानियत परेशान है, सारी इंसानियत परेशान है, उस परेशानी से अल्लाह पाक जल्द से जल्द निजात दे दे। दुआ के ज़रिए से जब तकदीर बदल जाती है तो अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है, अगर हम रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे अल्लाह के सामने तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं को इस मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल में ज़रूर ज़रूर कबूल करेंगे। तो हम दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह पाक हम सब के साथ, पूरी उम्मत के साथ, पूरी इंसानियत के साथ आफियत का मामला फरमाए। और आखिर में फिर एक दरख्वास्त,
वो ये कि हाँ इंतज़ामिया की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल करें। इंशाअल्लाह इसमें हम सब का नफ़ा और फ़ायदा है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के लिए दुआओं के अहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतखाब आलम, इमाम जामा।